एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज मैं आपके लिए फिर से लेके आई हूँ पीआईबी न्यूज का लेक्चर, ठीक है? सो अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड इस लेक्चर का जो प्रीवियस पार्ट था, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आई बटन पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, इसका लिंक आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, ठीक है? सो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। सबसे पहले यहाँ पे आपकी हेडिंग है, तेलंगाना जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दी वेजिटेबल वेस्ट। सो काफी अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है। इवन जो पीएम मोदी का सेशन आता है, या बोल सकते हो आपका मन की बात का जो एपिसोड आता है, वहां पे भी पीएम मोदी ने इस इनिशिएटिव को प्रेज किया है और यहाँ पे काफी उसके बारे में डिस्कस भी किया है, ठीक है? अब यहाँ पे इसके बारे में जानते हैं। जो बवनपल्ली सब्जी मंडी है आपकी हैदराबाद की, उन्होंने यहाँ पे वेजिटेबल वेस्ट से, जो आपका मंडी का वेस्ट होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, अराउंड आपका 10 टन्स ऑफ वेस्ट जो है वो डेली यहाँ से मार्केट से लिया जाता है, ठीक है? जिससे इलेक्ट्रिसिटी एंड बायोफ्यूल दोनों ही यहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे 500 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है, और इसके साथ साथ 30 केजी ऑफ बायोफ्यूल भी यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। जो आपका कहाँ पे यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो ये यहाँ पे जो आपके स्ट्रीट लाइट्स होते हैं वहां पे इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जाता है, जो स्टॉल्स लगते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, एंड इवन जो यहाँ पे मार्केट की एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जो है दी जाती है। और इनका ये भी कहना है कि यहाँ पे इन्होंने 50% तक का जो इनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता था वो यहाँ पे कम कर दिया है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको नोट करना है, जो बायोफ्यूल्स है वो कहाँ पे यूज किया जाता है, जो इस मार्केट का कमर्शियल किचन है वहां पे इस बायोफ्यूल को यूज किया जाता है, तो ये चीज आपको नोट करनी है। इसके साथ साथ जो ये इनिशिएटिव है, ठीक है, ये आपका जो पोल्यूशन होता है उसको तो कम करता है, साथ में ही जो डिजीजेस के चांसेस होते हैं जो इस वेस्ट प्रोडक्ट से, या बोल सकते हो वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है मार्केट से, उससे फैल सकती हैं, वो भी यहाँ पे कम हो रही हैं। इसके साथ साथ जो ये इनिशिएटिव है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, इसमें यहाँ पे वीमेन का भी पार्टिसिपेशन ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से वीमेन एम्पावरमेंट भी बढ़ रहा है, ठीक है? तो ये भी आपको नोट करना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, दैट इज कि आप क्या चाहते हो कि ऐसे हर मंडी से ही ऐसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्या ये अच्छा है या इसके कोई नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ सेकेंड यहाँ पे आपकी न्यूज है, श्री नितिन गडकरी इंस्पेक्ट्स जोजिला टनल, एशियाज लॉन्गेस्ट टनल टू स्टैब्लिश ऑल वेदर कनेक्टिविटी फॉर लद्दाख, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा। सो जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर है जेएनके के मनोज सिन्हा, और जो नितिन गडकरी जी हैं, इन्होंने इंस्पेक्ट किया है जोजिला टनल। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, एशियाज लॉन्गेस्ट टनल, तो अभी ये लॉन्गेस्ट टनल नहीं है, बट जब ये बन जाएगा जोजिला टनल तो ये लॉन्गेस्ट टनल हो जाएगा एशिया का, क्योंकि इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है 13.15 किलोमीटर। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपको आ जाए कि एशिया का करंटली लॉन्गेस्ट टनल कौन सा है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा, इट इज अटल टनल, ठीक है? अगर इसकी हम लंबाई की बात करें, ठीक है, लेंथ कितनी है इसकी, 9.02 किलोमीटर, तो ये चीज याद रखना है। एट प्रेजेंट ये आपका जो है लॉन्गेस्ट टनल है, बट जब ये लॉन्च हो जाएगा जोजिला टनल, तो उसके बाद आपका लॉन्गेस्ट टनल कौन सा हो जाएगा, जोजिला टनल, ठीक है? अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ये कनेक्ट किसे करेगा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को ये कनेक्ट करने वाला है, कश्मीर का आपका गंदरबल जो आपका जगह है, एंड ड्रास टाउन इन दी कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख, तो ये इन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट करने वाला है, ठीक है? ये चीज आपको याद रखनी है। वेरस जो अटल टनल आपका है, ये मनाली को लाहौल स्पीति वैली से कनेक्ट करता है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपकी न्यूज क्या है, एक्सरसाइज स्कोप इंडिया 2023। सो रिसेंटली अभी ये एक्सरसाइज आपकी हेल्ड हुई थी बिटवीन योर यूएसए एंड द इंडिया, ठीक है? तो ये आपके किस कौन सी फोर्स की एक्सरसाइज है, तो ये एयरफोर्स की आपकी एक्सरसाइज है, जहां पे पार्टिसिपेट किसने किया था, इंडियन एयरफोर्स ने अलॉन्ग विद द यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स, और ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था, इट इज हेल्ड इन दी कलाई कुंडा एंड आगरा, ठीक है? ये चीज याद रखनी है। अगर यहाँ पे पूछा जाए आपसे कि ये जो आपकी एक्सरसाइज है कब स्टार्ट की गई थी, तो 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है? किसके बीच में हेल्ड होती है, यूएसए एंड इंडिया, ठीक है? ये चीज आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ जो ये आपका एक्सरसाइज अभी हेल्ड हुआ है, ये कौन सा एडिशन था, तो इट इज द सिक्स्थ एडिशन, ठीक है? कौन सा एडिशन था, ये सिक्स्थ एडिशन था, जो 15 डेज की आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हेल्ड हुई है, ठीक है? ये चीज याद रखनी है। साथ में ही यहाँ पे कौन से फाइटर्स इन्वॉल्व किए गए थे आपके इंडियन एयरफोर्स से, तो राफेल, सुकोई 30 MKI इंडिजीनियसली बिल्ड लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है, तेजस, दैट इज तेजस एंड जगुआर, और ट्रांसपोर्टर्स यहाँ पे यूज किए गए थे C-130J एंड C-17 एयरक्राफ्ट, वेरस अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स की बात करें, तो यहाँ पे आपके इन्वॉल्व किए गए थे F-15E स्ट्राइक एंजल्स, B-1B बॉम्बर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आपके कौन से थे, C-130J एंड
C17 अलॉन्ग विद दी MC130J, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। एडिशन इंपॉर्टेंट है, एडिशन पूछा जा सकता है, साथ में कौन से कंट्रीज के बीच में हेल्ड हुई है ये पूछा जा सकता है और कहाँ पे हेल्ड हुई है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। और कभी कभार पूछ लिया जाता है कि इनिशियली या कौन से ईयर में ये स्टार्ट की गई थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपकी हेडिंग है UIDAI, दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हैज पार्टनर्ड विद IIT बॉम्बे। किस चीज के लिए यह पार्टनरशिप की गई है? ताकि टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर जो सिस्टम जो है वो डेवलप किया जा सके। अब ये है क्या, नाम से पता चल रहा है, इट इज टचलेस। बेसिकली जब आप आधार केंद्र गए होंगे अपना आधार बनाने, तो वहां पे एक बायोमेट्रिक मशीन में आपने जो है अपना थम या फिंगर्स जो है वो लगाए होंगे, ताकि आपका बायोमेट्रिक जो है वो कैप्चर किया जा सके। बट अब ये क्या चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो, घर बैठे ही आप अपना बायोमेट्रिक जो है वो कंप्लीट कर लें, या आपको उधर आने की जरूरत ही ना पड़े केंद्रास में। तो इसलिए ये ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जो आपका मोबाइल से ही फिंगरप्रिंट जो है कैप्चर कर ले, ठीक है। तो उस केसेस में आपका जो मोबाइल है वही एज अ बायोमेट्रिक मशीन आपका काम करेगा या कंसीडर करेगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब जिन दोनों का जो कोलैबोरेशन हुआ है, UIDAI का एंड IIT बॉम्बे का, अब इसमें आपका जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनल सिक्योरिटी है, ये आपका लीड रोल निभाने वाला है, जो ज्वाइंट इनिशिएटिव IIT बॉम्बे का है एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन का। तो ये जो NCETIS है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इनकी काफ़ी मदद करने वाला है, या इसका यहाँ पे लीड रोल रहेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन आपका ऐसा बन सकता है एग्जाम में, एक तो डायरेक्टली बनेगा कि UIDAI ने कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ या कौन से इंस्टीट्यूट के साथ MOU साइन किया है किस चीज़ के लिए, डेवलप करने के लिए टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम। दूसरा कि जो आपका NCETIS है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का जॉइंट इनिशिएटिव है, डायरेक्टली ये सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा आपका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपके न्यूज क्या है, दैट इज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है, दैट इज IBCA, ठीक है, इट इज IBCA जिसे लॉन्च किया है PM नरेंद्र मोदी ने। किसके लिए लॉन्च किया गया है? ताकि जो 7 बिग कैट्स हैं, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया आपका, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगोर एंड पुमा, इनको जो है कंजर्व किया जा सके, इनको जो है बचाया जा सके, इनकी प्रजातियों को, इसलिए इस अलायंस को जो है लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, दैट इज कि जो 97 कंट्रीज है जहाँ पे इन 7 कैट का जो है नेचुरल हैबिटेट है, उनको इस अलायंस में जोड़ा जाएगा, इन्हें जो है इसमें कवर किया जाएगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब ये तो हमें समझ आ गया कि किस चीज के लिए लॉन्च किया गया है, 7 बिग कैट्स को बचाने के लिए, ठीक है, पर किस ओकेजन पे इसे लॉन्च किया गया था? तो जब आपका प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसके 50 इयर्स कंप्लीट हुए थे। अब प्रोजेक्ट टाइगर आप सोचोगे क्या है, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है एक आपका ये प्रोग्राम है जो टाइगर्स को बचाने के लिए, उनको कंजर्वेशन के लिए यहाँ इंडिया में जो है लॉन्च किया गया था। कब इसे लॉन्च किया गया था? तो 1 अप्रैल 1973 को इसे लॉन्च किया गया था, टाइगर्स की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए और उन्हें बचाने के लिए, ठीक है, कि उनकी जो प्रजातियां हैं वो बची रहें, ठीक है। अब इसके लिए जो 50 इयर्स इसके कंप्लीट हुए हैं, उसका एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था मैसूर कर्नाटका में, ठीक है। तो एक तो ये जगह भी पूछी जा सकती है कि कौन से इवेंट में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। तो मैसूर कर्नाटका में आपका इवेंट हुआ था 50 ईयर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर के ओकेजन पे, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। साथ में पीएम मोदी जी ने जो है आपका इंडिया टाइगर सेंसस 2022 का जो है वो भी लॉन्च किया था, जहां पे रिवील किया गया था 6.7% यहाँ पे जो है पिछले 4 सालों में यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है जो आपके टाइगर हैं उनके पॉपुलेशन में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डेटा देखो तो 2006 में यहाँ पे नंबर ऑफ टाइगर्स जो थे वो थे आपके 1411, देन ये इंक्रीज हुए नेक्स्ट 4 ईयर्स में 1706, 2226, देन फर्दर ये इंक्रीज हुए आपके 2967, एंड नाउ ये काफी अच्छा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है हमें, ठीक है, विच इज योर 3167। तो ये जो आपके डेटाज हैं, ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे रिविजन करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी है। तो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट्स विवन्नपल्ली वेजिटेबल मार्केट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी आउट ऑफ वेजिटेबल वेस्ट। सो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका जो आपका ये वेजिटेबल मार्केट है, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है फ्रॉम द वेजिटेबल वेस्ट? बहुत ईजी आंसर है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज तेलंगाना, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टनल इज नोन एज एशिया लॉन्गेस्ट टनल। तो यहाँ पे बात हो रही है करंटली कौन सा एशिया का लॉन्गेस्ट टनल है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज अटल टनल, जिसे रोहतांग टनल भी बोलते हैं। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो हमने डिस्कस किया है इट इज 9.02 किलोमीटर, ठीक है। और ये किसे कनेक्ट करता है, मनाली को लाहौल स्पीति से, ठीक है, जो आपके हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द कोप इंडिया बायलिट्रल एयर एक्सरसाइज वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अमंग द फॉलोइंग नेशन। तो इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके साथ ये एक्सरसाइज कोप इंडिया जो है अभी रिसेंटली हेल्ड हुई है, जो आपकी इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूएसए। और इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो कब हेल्ड हुआ था, 2004 में हेल्ड हुआ था, एंड अभी इसका कौन सा एडिशन था, तो 6th एडिशन हेल्ड हुआ था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन टेक्नोलॉजी फॉर फॉर इंटरनल सिक्योरिटी NCETIS इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ IIT बॉम्बे एंड विच मिनिस्ट्री अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। सो कौन सी मिनिस्ट्री का यहाँ पे ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है अलॉन्ग विद द IIT बॉम्बे, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द फिफ्थ साइकिल ऑफ इंडिया टाइगर सेंसस 2022 नंबर ऑफ द टाइगर्स इन कंट्री स्टैंड्स एट डैश। सो एट प्रेजेंट आपके, या आप बोल सकते हो जो टाइगर सेंसस अभी 2022 का आया है, जो पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया है, उसमें जो टाइगर की संख्या है कंट्री में वो कितनी है, तो इट इज 3167। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ई। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।